आई एम जहांजेब फ्रॉम सेको पार्क, मैनेजर प्रोजेक्ट्स, एंड बेसिकली वी आर वन एंड ओनली फायर डोर मैनुफैक्चर इन पाकिस्तान जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ फायर डोर मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास यूके की सर्टिफिकेशन है वारिंगटन फायर की, और पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ सिर्फ हम ही हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लाहौर के अंदर जो है वो बेस कर रहे हैं शेखुपुरा में, और कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस हमारी गुलबर्ग में है। ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसको देखें तो ये फार्मास्यूटिकल डोर है, एंड दैट डोर इज़ प्रोवाइडेड इन MES इन अ क्वान्टिटी ऑफ अराउंड 5 to 6,000 डोर्स, एंड दैट इज़ ये वाला डोर हमने CNW में प्रोवाइड किया अराउंड 3-4,000 की क्वान्टिटी में। तो ये स्टील डोर्स हैं, इनके अंदर बेसिकली इंसुलेशन डोर्स हैं, आपके जहाँ पे ACs वगैरह चल रहे होते हैं तो उनके जो डोर्स हैं वहाँ से आपकी कूलिंग वगैरह ज़ाया ना हो, बाहर से गर्मी अंदर ना आए। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। तो ये इनकी जो कोर होती है वो पॉलीस्टायरीन होती है, आप अगर पॉलीस्टायरीन का कप भी पकड़ें उसके अंदर गर्म चाय हो तो वो हाथ को गर्म नहीं करती, तो बेसिकली वही कोर है इस डोर के अंदर जो कि 2 से 3 इंच की कोर होती है। तो ये इंसुलेशन डोर्स हैं आपके। फिर हमारी एक जो सेकंड मेन प्रोडक्ट है वो फायर रेटेड डोर्स हैं। ये जो डोर आपको नज़र आ रहा है ये 180 मिनट्स इंटरनेशनली सर्टिफाइड जो है वो डोर है, वुडन फिनिश के साथ, हमने वुडन लेमिनेशन इसके ऊपर की हुई है और वुडन फिनिश के साथ, क्योंकि मोस्टली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो डोर है वो उसकी फिनिश वुडन में आए, बेसिकली वुडन जो है वो ज़्यादा वुडन फील ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमने ये हमारी एक R&D है कि हमने उसको जो स्टील डोर है पाउडर कोटेड डोर उसको हमने कन्वर्ट किया है कोशिश करके, उसके ऊपर PVC लेमिनेशन हमने इस तरह की किया कि वो वुडन फील दे आपको। इसकी जो फ्रेम है इसकी सारी चीज़ें वो वुडन लेमिनेशन के साथ हम क्लैड कर देते हैं, तो ये आपको 100% वुडन फील देती है। फिर एक ये हमारा डोर है, ये बिल्कुल वुडन ही आपको लगेगा, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ स्टील डोर एंड फायर रेटेड डोर, 120 मिनट सर्टिफाइड है। हमारा एक प्रोजेक्ट है इधर, काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड के ऊपर हम ये वाला डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक डिज़ाइन एक काफ़ी बड़ी कंपनी का है, उसका जो वुडन वो है उसको हमने रिप्लेस किया अपने स्टील उसके साथ। तो ये 1.3 mm की विनियर क्लैडिंग है इसके ऊपर एश वुड की, और इंटरनली ये सारा का सारा आपका ये फायर रेटेड स्टील डोर है। तो और इसके अलावा इन डोर्स के अलावा हमारी एक थर्ड जो लाइन है वो है प्री इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती हैं हमारे पास। ये टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है, वन एंड ओनली इस टाइप की बिल्डिंग आपको पाकिस्तान में मिलेगी। ये हमारी फ्रॉम स्क्रैच हमने ये वाली बिल्डिंग भी कंप्लीट की है। फिर ये DHA की एक आपको नॉर्मल टक शॉप नज़र आ रही है DHA में लाहौर में, 5,000 की क्वान्टिटी में ये वाली बिल्डिंग्स हमारी लगी हुई हैं। फिर USAID और FWO के साथ हमारे डिफरेंट JVs रहते हैं फ्लड में और इस तरह की जो कैलेमिटीज़ होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसके अंदर भी टाइम रिस्ट्रेंट के साथ हम बड़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो ये जो थर्ड आपको बिल्डिंग लास्ट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कोरोना हॉस्पिटल है, ये जो बिल्कुल एंड पे आपको नीचे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो ये कोरोना हॉस्पिटल इस्लामाबाद में हमने 23 डेज़ के अंदर FWO के साथ JV करके कंप्लीट किया। तो इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जब आती हैं तो हम हमारी कोशिश होती है, अभी हम फ्लड के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर हम 50 से 60 दिनों के अंदर जो है वो 300-300 घर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो हमारी प्रोडक्ट की लाइनअप है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने ये BHL चैनल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिस्प्ले करने का मौका दिया। थैंक यू, सब्सक्राइब करें।